हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। इन एएफसी एशिया कप का मैच हो रहा है कतर वर्सेस पैलेस्टीन के बीच 9:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की। ज़बरदस्त भाई साहब, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे टेलीग्राम पर, तो मैं आपको मतलब मेरे को भी पता नहीं कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो अगर जो भी पूछ रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। यूट्यूब पे तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी आपके मन में सवाल है या टीम के रिलेटेड, या आपने कुछ पूछना है, या आपके मन में कोई डाउट है किसी भी मैच को लेके आगे, तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस मैच की बात करें, देखो भाई इस मैच में आपको पता है डायरेक्टली कतर ये मैच जीत चुकी है। एक तो ना कतर का क्या है, कतर टीम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई हुई थी, बाद में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वो बात से मैं सहमत हूँ। तो मतलब ऐसा मेरे को पता था कि कतर आगे नहीं चल पाएगी, लेकिन कतर का वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। और पैलेस्टीन को तो आई थिंक मैं ज़िंदगी में पहली बार इनका वर्ल्ड कप, इनका एशिया कप कवर रहा हूँ, मतलब मैंने पैलेस्टीन के प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं था, तो इसलिए मेरी नज़र में तो कतर टीम जीत चुकी है भाई और जीतेगी। तो चलते हैं आगे, तो बात करें स्ट्राइकिंग की। स्ट्राइकिंग के अंदर भाई ए अली और अकरम अफीफ को प्रीवियस मैच के अंदर ड्रॉप आउट पे रखा गया था। एल्मोज़ अली के बारे में समझ नहीं आया इसको क्यों नहीं खिलाया, लेकिन अकरम अफीफ को भेजा गया था एज अ सब्स्टिट्यूशन और उसने एक असिस्ट भी की थी, तो मतलब इसका तो हाथ अभी खुला हुआ है, मतलब ये तो बढ़िया कर ही रहा है। अफीफ को ही मैं कैप्टन रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ए अली को काफ़ी टाइम से रख रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ का फ़र्क आ जाता है। मतलब आप देखो ना, ए अली ने 46 पॉइंट दिए मुझे 17 जनवरी को, वहीं अकरम अफीफ जिनका कप्तान होगा उसने 74 दिए, मतलब बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। अफीफ को रख रहा हूँ तो मज़ा आता है। उसके बाद जेड कुनबर पिछले मैच में चल गया, उम्मीद थी बट किया था ट्रस्ट, लेकिन मैंने सोचा था कि एक आधी से स्टोर करेगा, लेकिन 56 पॉइंट बहुत थे, मतलब लालच नहीं करूंगा। और दबाव की बात करूं तो डेबक अच्छा करके गया, हांगकांग के अगेंस्ट गोल बनते थे लेकिन 2 गोल, इट्स अमेजिंग। मतलब दबक खिलाड़ी जिस भी लीग में खेलता है, देखो डोमेस्टिक लीग में मैंने इसके ज्यादा मैच तो मेरे को नहीं लगता कवर किए होंगे, लेकिन मैं इसे जानता हूं ये बात, मतलब मैं पैलेस्टीन के कई प्लेयरों को बिल्कुल नहीं जानता और कईयों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं कि ये किस किधर खेलता है, इससे डबग अच्छा है। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, टी सयम की बात करूं तो सयम एक स्ट्राइकर तो नहीं है, लेकिन खेलता एक स्ट्राइकिंग लेवल पे है। दूसरी बात, ये बंदे का गोल रेशियो ठीक है बट पेनल्टी रेशियो और भी अच्छा है, तो पेनल्टी के तौर पे इसको ले रहा हूँ। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, अब्दुल रिसाक मुझे नहीं लगता आज खिलाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में इनको धोखा मिल गया, इसलिए भाई मैं एचएल हेदस के साथ यहाँ पर टीम में जा रहा हूँ। अभी मैंने कोई प्लेयर कन्फर्म नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सोचूंगा कतर के मिडफील्डिंग के बारे में। और ऑपोजिशन टीम की बात करें तो एम अबू वारडा को आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि बाकी जो प्लेयर हैं वो इतने खास नहीं, क्योंकि मैं पहले काफ़ी टाइम से ऑडई को मतलब अपनी टीम में ले रहा हूँ, बट ओदई ने कुछ अच्छा किया नहीं, सो इससे बढ़िया मैंने कहा भाई क्यों इतना फालतू रिस्क लें, हमें अबू वाटा के साथ जाना चाहिए। एंड डिफेंडिंग की बात करें तो कतर का बी खौखी इज़ एन एवरेज प्लेयर, बट मेन पे खेल रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद बीएल रवि, तो इस पर तो दिल आया हुआ मैं प्लेयर पर, मतलब ये तो जिस डोमेस्टिक लेवल पर भी खेलता है वहाँ पर भी मैं भाई बीएल रवि करता रहता हूँ, तो इसको तो मैं जानता हूँ। और ए अली मुख्तर की बात करूँ तो थर्ड डिफेंडिंग में जो बंदा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, अगर ये बंदे से ये फोर्थ फॉर्मेशन पर खिलवा दें या सेकेंड पर खिलवा दें या फर्स्ट, तो इसका आप गोल देखोगे भाई, बट आज भी थर्ड पे है तो गेम संभालने को बहुत ज़्यादा फिट है ये। उसके बाद एल मेंडिस को यहाँ भेजना चाहिए, पिछले मैच में नहीं भेजा, चलो वो इनकी बड़कपन था कि इन्होंने बड़े प्लेयरों को रेस्ट दिया, मैं यही कहूँगा और क्या बोलूँ, तो मैं आज लूँगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की, आर हमादा इज़ एन ऑफ एवरेज प्लेयर, सारा का सारा जो बर्डन है वो गोल कीपर पर है, क्योंकि पैलेस्टीन टीम गोल करने को सक्षम सिर्फ छोटी टीमों के आगे है। जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच होता है ना पैलेस्टीन का, तो वो सिर्फ बचते हैं कि गोल रोके कैसे, ठीक है। तो बात करें कप्तान की, कप्तान है यहाँ पर अकरम अफीफ, वाइस कप्तान है एल्मोज़ अली, तो ये हमारी टीमें, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।